नेपाल में आयोजित हुई आईएनसीएल क्रिकेट लीग प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर वापस लौटे क्षेत्र के गांव ब्रजनगर में रहने वाले खिलाड़ी रत्नेश शर्मा का घर पहुंचने पर खिलाड़ी वासियों द्वारा जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। जमुई एयरपोर्ट से लेकर खिलाड़ी के स्वागत के लिए एक रैली निकाली गई और उसके उपरांत गाँव में पहुँचने पर उसका जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया। इस मौके पर पंचायत के सरपंच पंडित पवन रैना, युवा कांग्रेस नेता अंकुश रैना सहित काफ़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिन्होंने खिलाड़ी रत्ना शर्मा का जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उसे मुबारकबाद दी। नमस्कार, मेरा नाम है रितान शर्मा, मैं ब्रीनगर गांव का रहने वाला हूं और ये देखा जाए तो आईएनसी लीग है, इंडियन नेशनल क्रिकेट लीग, जो कि मुझे मेरे दोस्त ने बताया था इस लीग के बारे में। मैंने परफॉर्म किया और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सिलेक्शन लेटर भेजा और वहां जाके मैंने परफॉर्म किया। और इसी के पीछे देखा जाए तो सारे बुज़ुर्गों का, मेरे सरपंच साहब का, अंकुश भैया का और उनके पापा का बहुत बड़ा हाथ रह चुका है। ये मैच कौन सी कंट्री में हुए? और नेपाल में, काठमांडू। कौन सी कंट्री के साथ? नेपाल की, काठमांडू, इंटरनेशनल टीम। तो आपने काफ़ी टीम जीत हासिल करने में सफल रही जी? बिल्कुल, हमने पहले वनडे टी ट्वेंटी की तीन मैचों की सीरीज थी, T20 हमने अपने नाम किया और ODI सीरीज हम एक मैच हारे थे, उसकी वजह से लूज रहा। कैसा प्रदर्शन रहा वहाँ पे? देखा जाए तो मैं अकेले का नहीं बोलूँगा, पूरी टीम ने अपना अपना 100% दिया, अकेले बोला अच्छा लगता। फ्यूचर में क्या सोचा कि मैं भारत के लिए खेलूं? जी बिल्कुल, आगे आने वाले टाइम में पहले सबसे पहले तो IPL खेलना है और उसके बाद भारत के लिए खेलना तो सपना है। ज़्यादा खुशी हो रही है आज के दिन में अपने इस भतीजे को, अपनी तरफ से और अपनी पूरी पंचायत की तरफ से, सबकी तरफ से, अपने खास करके हमारे जो नौजवान और भी खेलते हैं उनकी तरफ से, सबकी तरफ से इसे बहुत बहुत मुबारक देता हूं और भगवान से, माता रानी, वाहेगुरु, अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे और हमारे गांव का नाम, हमारी स्टेट का नाम, हमारे मुल्क का नाम रोशन करे। और इसके साथ साथ मैं और भी जो नौजवान हैं उन सब से, अपनी पंचायत के, अपने गाँव के, अपने ब्लाक के, सभी लोगों के, डिस्ट्रिक्ट के, स्टेट के, सभी जो लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं उन सब से अपील करता हूं कि आज का ज़माना देखें, हमारे विदेशी जो ताकतें हैं वो हमारे मुल्क में नशा बेच के, नशे के जरिए हमारे नौजवानों को कमज़ोर कर रही हैं और मुल्क को खोखला कर रही हैं। उस सब का मुकाबला करने के लिए हमारे पास एक ही कड़ी है कि तमाम नौजवान जो हैं देश भर के, दुनिया के, वो स्पोर्ट्स की तरफ से ध्यान दें ताकि स्पोर्ट्स के जरिए हम दुश्मनों का भी मुकाबला कर सकें। भाई देखें, आपकी जो अंदरूनी ताकतें हैं हमारे मुल्क के नौजवानों को नशे के साथ खोखला करना, उस खोखले के बजाय हमारे नौजवान स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दें, ख्याल करें। मैं आपको कुछ दिन पहले बताता हूँ, हमारी तरफ एक हमने किट तैयार की है इसी नौजवान के खुशी में, इसको देख कर की, ताकि हम कल परसों सब इसी के थ्रू ही अपने नौजवान जो पंचायत लेवल के हैं उन सबको बांटेंगे ताकि उनका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बना रहे। और मैं बहुत बहुत हैप्पी हूँ इसके, इस लड़के के लिए कि इसने हमारे गाँव का, हमारे सभी दोस्तों का, यारों का, भाई बहनों का नाम रोशन किया और आज के दिन अपनी तरफ से, सारी टीम की तरफ से इसको ये बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच से निकला एक लड़का। सबसे ज़्यादा खुशी की बात और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें उठाने वाले इसके माँ बाप थे। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, इसके पिताजी सिर्फ 10,000 सैलरी पे लगे हुए हैं, 10,000 सैलरी पे कमाना और उसके बाद अपने बेटे को नेपाल भेजना। अभी उससे पहले ये गोवा खेल के आया और आने वाले दिनों में भोले शंकर कृपा करें ये गोवा दुबई जाएगा खेलने। तो सबसे ज़्यादा खुशी, सबसे ज़्यादा मेहनत किसी और से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसके माँ बाप की है जो इतनी कम सैलरी में गुजारा करके अपने बच्चे को इतने आगे खिला रहे हैं। मैं अपने लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से पर्सनली ये कहता हूँ कि आज के बाद इसको कुछ भी होगा हम इसके साथ खड़े हैं, कहाँ भी हमें इसको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे मुश्किल हमारे एरिया में ये बात है कि हमारे पास कोई प्ले ग्राउंड नहीं है, यहाँ प्ले, यहाँ ये नहीं खेल सकता था। इसको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ से उठ के जम्मू जाना पड़ता है, किसी कि यहाँ से रोज़ 25 किलोमीटर जाके ये लड़का रोज़ खेलता था और उसका आज ये नतीजा है इसके माँ बाप की मेहनत का, इसकी अपनी मेहनत का कि आज ये इतना बड़ा कप नेपाल से जीत के लाया है। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।